सुंदर देखने वाले हम लोग हैं। तो ऑफिस अलग रहा, कोई नहीं ऑफिस में, ऑफिस में तो अलग रहा हूँ मैं, बोलते हैं आधा सब बोलते हैं। तो ये सबसे पहला जो गुणधर्म देख रहे हैं हम लोग कि ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या इट इज ऑक्सीडाइज करके ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओआरपी मीटर, ये 15,000 रुपए का मीटर रहता है, मिलवा की कंपनी का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये दिखाता है कि पानी में ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन है या एंटीऑक्सीडेंट है। पता कैसे चलेगा, अगर पानी में प्लस चार्ज है मतलब इट इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मीन्स रस्टिंग, जंगा हुआ पानी जिसको बोलते हैं हम लोग ना, सड़ा हुआ पानी जिसको बोलते हैं, जैसे अगर खीले रखे हैं, जैसे पानी पानी में खीले सड़ जम जाते ना, ये पानी में नहीं होगा अगर एंटीऑक्सीडेंट होगा तो। अगर प्लस वन इज वेरी डेंजर फॉर हेल्थ, पानी में अगर प्लस वन भी है तो वेरी डेंजर, लेकिन अगर माइनस चार्ज पानी में है तो इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स जो शरीर के लिए भरपूर प्रमाण में रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स से। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है काम, एंटी एजिंग का काम करता है ना, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम। जैसे एंटी वायरस रहता ना, तो वायरस अटैक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में लैपटॉप में टीवी में क्या डालते हैं एंटी वायरस। तो वैसा ही अपना शरीर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, जंगना नहीं चाहिए, है ना, रस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। तो प्लस वन इज वेरी डेंजर ऑक्सीडाइज, माइनस वन इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये ओआरपी मीटर बताता है कि पानी में प्लस है या माइनस है, कितना है साइंटिफिकली प्रूव होता है। इसको पहले डाल के तब करना पड़ता है क्या कैसा है डायरेक्ट। अब जैसा इसमें हमने डाला, ये क्या दिख रहा है आपको, 307 306 ऐसा जा रहा है ना, 300 के ऊपर जा रहा है मतलब, है ना। और ये इंस्टेंट, अगर ये अब ये पुराना वाला इसीलिए है ना, अगर ये नया लेते हो ना, ये प्लस 450 रहता है, 450 प्लस, प्लस वन इज वेरी डेंजर फॉर हेल्थ। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 319 प्लस। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो इसी को हम लोग इसमें डालते हैं, ये अपना जो पानी है, ये पानी बॉटल्ड वाटर है जो हम लोग 20 रुपए का 10 रुपए का लेते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर, ये कितना दिखा रहा है 284, ये भी प्लस में दिखा रहा है, माइनस रहेगा तो साइन आगे माइनस आएगा ना। उसके बाद में जैसे ये अपना है टैप वाटर, म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी था टैप वाटर वो ले रहे हैं हम लोग, ये कितना दिखा रहा है 291 प्लस 290, मतलब हाईली ऑक्सीडाइज पानी बोलते हैं इसको भी। और जैसे कि ये अपना कौन सा, ये केनिंग वाटर है, ये क्या हो गया तुरंत आया माइनस, इंस्टेंट माइनस में आएगा, कितना जा रहा माइनस देखो 298 300 है ना, बराबर है 300 के ऊपर में दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। तो क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन है कि ये पानी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगर आप हिमालय भी जाते हो ना, और हिमालय का पानी भी अगर लेते हो मान के चलो, उसको चेक करते हो ना, तो वो पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। और अपन जो पानी लेते हैं वो पानी ठहरा हुआ पानी रहता है, उसमें चार्ज नहीं रहता, क्योंकि साल भर रुका हुआ पानी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक टमाटर है और एक पानी की बॉटल है, बराबर है, तो 10 दिन बाद हम लोग आएंगे तो टमाटर अपने को सड़ा हुआ दिखेगा, पानी भी सड़ चुका है लेकिन पानी दिख नहीं रहा है। और ये हमें क्या है, टमाटर दिख रहा है कि टमाटर सड़ा हुआ दिख रहा है, गला हुआ दिख रहा है, स्मेल से टेस्ट से है ना समझ में आता है, लेकिन पानी का ऐसा नहीं, वो बॉटल हम लोग पी लेते हैं, वो खराब हो चुका है, वो शरीर में जाके, क्योंकि शरीर जो है बॉडी इज 72% मेड अप ऑफ वाटर, और हर जगह फैलेगा ना वो, ब्रेन 90% पानी है, तो कौन सा पानी रहेगा, सड़ा हुआ पानी है। तो वो रिजल्ट्स क्या देगा, माइग्रेन देगा है ना, घुटनों में पानी है 72% पानी है, वो वहां पे क्या घुटने दर्द करते लोगों के यंग एज में, तो ये सब पानी का खेल। जैसे ही पानी चेंज हुआ, चेंज द वाटर चेंज द लाइफ, ये पहला गुणधर्म है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके सर, ये क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि ये पानी हाईली ऑक्सीडाइज है, ये पानी में 450 प्लस रहता है, ये 300 सवा 300 ऐसा रहता है ना प्लस में, प्लस वन इज वेरी डेंजर, और ये होता है माइनस 300 माइनस 400 भी रहता है ना, जैसे इंस्टेंट निकालेंगे तो थोड़ा और ज्यादा रहता है, पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है वेदर द वॉटर इज अल्कलाइन और एसिडिक, बराबर है। तो अल्कलाइन मतलब क्या होता है, एक जमीन और पानी उसका जो पीएच रहता है वो रहता है 1 से लेकर 14 तक, 1 to 14। 7 इज न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल है, हम लोग जब जन्म होता है अपना तो वी आर अल्कलाइन, बेबी जब बॉर्न होता है तो वो रहता 7.06 भी अल्कलाइन की, अल्कलाइन रहता हुआ है ना। 7 के नीचे अगर जाता है तो ये सब क्या है, एसिडिक है। और यहाँ अगर एसिडिक शरीर हुआ तो इसमें कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की बीमारी आएगी। एसिडिक बॉडी इज प्रोन टू डिजीज, जैसे आपने बात किया पहले ना। और अगर अल्कलाइन है तो डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट, हेल्दी एंड एनर्जेटिक बॉडी। तो अभी हम लोग पानी पी रहे हैं, जो हमारे पानी 72% है,
इसका गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कलर का पानी, पानी तेरा रंग कैसा पता चलेगा ना। तो इसको चेक करने के लिए एक ये होता है, ये पीएच इंडिकेटर होता है, ये कोई भी केमिकल्स की दुकान में वगैरह मिल जाएंगी। ये पीएच जैसे बचपन में हम लोग लिटमस टेस्ट करते ना, अल्कलाइन एसिडिक वो, तो ये बताएगा पानी तेरा रंग कैसा। एक एक दो दो बूंद डालेंगे हम लोग इसमें, इंस्टेंट समझ में आ गई थी पानी का, दिखने में सब सही ही है ना। समझ में आ रहा सर कलर को, ये सब में हम लोग डाल रहे हैं लिक्विड, लिक्विड तो सेम है लेकिन पानी के गुणधर्म अलग है ना। तो इससे सबसे डेंजर पानी कौन सा लिखा सर आपको? रेड, हाईली एसिडिक। ये जो पानी है ना, ये स्प्राइट है, ये हम लोग स्प्राइट लेते हैं, और ये अगर सिर्फ किसी ने एक महीना स्प्राइट रेगुलर लिया तो उसको शुगर गिफ्ट में मिल जाएगा। और आज यंग जनरेशन कहां पे जा रहा है, युवा पीढ़ी कहां जा रही है, पिज्जा बर्गर मैकडोनल्ड है ना, पेप्सी मिरिंडा कोकोला फ्री, वहां बोल रहे फ्री फ्री कोक भरपूर ले रहे, घर में ला रहे रख रहे, नॉलेज नहीं है। लेकिन जब देखते हैं हम लोग, एक्चुअली फैमिली डेमो है, जब फैमिली पूरे देखती है, बच्चे देखते हैं तो अवेयर हो जाते हैं, अरे भैया दूर रहो, लाल मतलब डेंजर। मेरे घर में बच्चे नहीं लेते, पहले लेते थे कभी कभार, लेकिन अभी तो बिल्कुल लाल मतलब डेंजर, नाम भी नहीं लेते। ये हाईली एसिडिक है, ये शरीर में जाके इतना जबरदस्त दूसरा, और हाईली ऑक्सीडाइज। पहला गुणधर्म क्या है, हाईली ऑक्सीडेशन, दूसरा अल्कलिनिटी, ये हाईली एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं, हाईली एसिडिक है। उसके बाद में ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये भी इसका पानी का गुणधर्म कौन से लेवल का सर? 5 पीएच का है ना। ये हम लोग क्या बोलते हैं कि हेल्थ देगा, हमें हेल्थ नहीं देगा, ये सबसे ज्यादा हेल्थ ले रहा है, ये हाईली एसिडिक है, ये 5 का पीएच, 7 भी नहीं है, 5। और उसके बाद में ये पानी देखो, 6 और 7 के बीच का पीएच है, फुल 7 भी नहीं है। और साथ में अगर म्यूनिसिपैलिटी का पानी लेते हैं उसमें क्लोरीन रहता है, तो क्लोरीनेशन वेरी डेंजरस, उससे कैंसर भी होता है, और आज बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो रही है, कैंसर सबसे बड़ा बीमारी है उसमें से। और ये जो पानी है, ये पानी सर कौन से लेवल का है? ये है 9.5 अल्कलाइन रिच वाटर बोलते हैं इसको, ये मशीन जो देता है वो 9.5 पानी देता है, 8.5 और 9, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के अल्कलाइन पानी होता है। तो जैसे ही ये शरीर में जाता है, ये क्या करेगा शरीर को, जैसे क्योंकि 70 से 72% शरीर में पानी है वो एसिडिक है, मान के चलो, तो जैसे मान के चलो हम लोग इसमें डालते हैं क्या हो गया, इसमें अल्कलाइन, अल्कलाइन कर दिया। तो इसीलिए आपको रिजल्ट्स दिखते हैं कि किसी के 10 साल पुराने 15 साल पुराने बीमारियां जा रही है, क्योंकि शरीर अल्कलाइन हो गया, और अल्कलाइन शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, अल्कलाइन कर दिया इसने। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतना ज्यादा डेंजर रहता है ना, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, अगर इसमें डालोगे आप देखो फर्क दिख रहा है क्या, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इट रिक्वायर्स 32 ग्लास, इसको 32 ग्लास लगते हैं न्यूट्रलाइजेशन, फॉर न्यूट्रलाइजिंग कोको कोला पेप्सी और मिरिंडा, इतना डेंजरस लगता है, इसलिए दूर नहीं, बहुत दूर रहना पड़ेगा इससे, है ना। जो रामदेव बाबा बोलते ना टॉयलेट क्लीनर है, ये सबसे ज्यादा घातक है, और बच्चों को इसको यंग जनरेशन में आज देख रहे हैं, तो आज 20 साल में 25 साल में भी क्या हो रहा है, बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। आज देखोगे पहले अपने जमाने, मतलब पिताजी के जमाने में, पहले 60 साल 70 साल के बाद भी किसी को शुगर हुआ तो हुआ, वो उस वक्त कॉमन था, 60 साल 70 साल के बाद। आज 20 साल 25 साल में बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, व्हाट इज दिस। ये सब चीजें जो है पानी और वातावरण पूरा बदल चुका है, पानी दिन ब दिन खराब होते रहेगा, है ना, ये समझ में आ रहा सर। और बहुत अच्छा मतलब खाना खा लिया आपने, होटल में गए, 5 स्टार में गए, लेकिन खाना खाने के बाद में अगर आपने पानी भी चेंज किया और आते वक्त कोल्ड ड्रिंक पी लिया मान के चलो गलती से, क्या करेंगे, सबको खराब कर डालेंगे। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, सब बढ़िया खाया, हेल्दी खाया, लेकिन जाते वक्त कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो सब पूरा खराब कर देगा, सबको खराब, जीरो कर देगा उसको, है ना। इसीलिए इससे दूर रहना, ये सेकंड डेमो जब देखते हैं लोग तो समझ में आता है कि कोल्ड ड्रिंक इज वेरी वेरी डेंजरस है ना। पीते हैं अभी तक पी लिए, नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये फैमिली डेमो होता है, अवेयरनेस का काम है, नोबल कॉज कर रहे हैं हम लोग, लोगों को बता रहे हैं कि भैया सेफ रहो, क्योंकि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। और ये दूसरा गुणधर्म है, और आज जैसे मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ी जो बीमारी हो रही है वो बढ़ रही है कैंसर, ये हमें पता ही है ना। और इसका उदाहरण क्या है कि आज देखो, आज जैसे ये नागपुर में यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल खुल चुका है ना, मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये अच्छी बात है गलत बात है सर? गलत बात है, बहुत गलत बात है ना।
लेकिन हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में खुल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर गोंदिया में, गोंदिया छोटा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है लेकिन वहां पे रिलायंस का बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खुल चुका है ना, क्योंकि वो लोग आश्वस्त है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनको मालूम है लोग तो आना ही है। लेकिन हमें विचार करना है कि अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन रख के हमें नहीं जाना है वहां पे, अगर एसिडिक हो गया, कैंसर हो गया, मतलब उसकी बॉडी अगर चेक करेंगे सेल्स तो सब एसिडिक रहेंगे, तो अपनी शरीर एसिडिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है। और मैं बात नहीं कर रहा हूँ ये, और ये भंडारा, इसके बाद में आपने अकोला सुना होगा, अकोला, अकोला में भी कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आ चुका है, पता है आपको? तो गोंदिया, अकोला, ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे कैंसर के, ये वेरी बैड न्यूज है। और ये कैंसर की जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, उसका नाम सुना होगा आपने, कि कहीं ट्रीटमेंट हुआ नहीं तो फिर वर्ल्ड में लोग कहाँ जाते हैं, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट जाते हैं ना। तो ये किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, कि मतलब आप जो दवाई ले रहे हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन जो कैंसर के लिए, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे रही है, उल्टा नुकसान दे रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं? ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर है रॉबर्ट यूराइट, ये बता रहा है, इनकी किताबें लिखी हुई और इसको कैंसर बाइबल बोलते हैं। और ये किताब आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगी, 15,000 की किताब है, अभी ऑफर में 5-7 हज़ार भी मिल जाएगी आपको। तो ये कैंसर गाइड बोलते हैं, मतलब जिसको कैंसर उसने पढ़ना चाहिए या जिसको होना नहीं चाहिए उसने भी पढ़ना चाहिए, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और इसके लेखक कौन है? ही इज बेसिकली रॉबर्ट जी राइट और इज अ डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, दुनिया के सबसे बड़े जो कैंसर इंस्टीट्यूट उसके डायरेक्टर ये किताब लिखा है। तो साधारण व्यक्ति है क्या ये? नहीं। और इन्होंने हर चैप्टर के अंदर में एनर्जी का उल्लेख किया है, एनर्जी के बारे में महत्व लिखा है। और एक इन्होंने 6वां नंबर जो चैप्टर है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक देखो, स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, पानी को इन्होंने डाइट बोला है, रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज वाटर कुड सेव योर लाइफ। रीस्ट्रक्चर्ड वाटर बोलते हैं इसको, आयनाइजर बोलते हैं इसको, तो ये आपका प्राण बचा सकता है। और इसके अंदर भी इन्होंने ऐसे भरपूर एग्जाम्पल्स टेस्टिमोनियल्स दिए है कि जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपको कैंसर हो चुका है 2-3 महीने के आप ऊपर जिंदा नहीं बचोगे, और वो व्यक्ति आज भी केंगन वाटर पी के जिंदा है, और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। और इसके अंदर भी इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन भी किया है, देखिए सर स्पेसिफिक एक चैप्टर की मैं बात करूँ, इसमें भी लिखा, देखो एक पैराग्राफ लिखा है बड़ा वाला, मैं पढ़ के बता दो फिर बात आप खुद पढ़ सकते किताब लिखे, कि इफ आई वेर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टूडे आई वुड चूज SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। SD501 कोड मैंने लिखा था आपको, एनर्जी की कंपनी का नाम है। आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ माई रीजनिंग फॉर द डिसीजन इन द अर्लियर कमेंट, द वर्सटाइल मल्टी फंक्शनल SD501 इज रादर एक्सपेंसिव एट अंडर $4,000 बट वर्थ एवरी पेनी एंड इज सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ एन वाटर आयनाइजर। तो ये मशीन को इन्होंने रोल्स रॉयस के साथ में कंपेयर किया है, इनका कहना कि महंगा लग सकता है लेकिन एक एक पैसा वसूल करके देने वाली मशीन है, और ये वर्थ एवरी पेनी सिंपली द रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस ये जो गाड़ी होती है आपको पता है ये सबसे महंगी गाड़ी होती है, 10-15 करोड़ की गाड़ी आती है। महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर मान के चलो गलती से एक्सीडेंट हो भी गया तो अंदर जो व्यक्ति रहता है वो सेफ रहता है, क्योंकि इतने फीचर्स बट नेचुरल है, पैसा बहुत ज्यादा दे रहे, फीचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको। तो वैसे ही ये मशीन है, जैसे आपने इसका पानी पीना स्टार्ट करोगे तो शरीर का वातावरण इतना अच्छा कर देगा ये, क्योंकि अल्कलाइन पानी है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइज बोलते हैं इसको, अल्कलाइन पानी तो बहुत मार्केट में मिल जाएंगे, 10-15-20 हज़ार में मशीन आ रही है लोकल वाली की, अल्कलाइन वाली, ये अल्कलाइज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है ना। तो जैसे शरीर में जाएगा शरीर का वातावरण इतना अच्छा कर देगा कि अगर कोई बीमारी है तो जल्दी जल्दी धीरे धीरे फटाफट बाहर निकाल देगी, और आगे भी फ्यूचर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती आपको। और ये अगर ये इसको पढ़ने के बाद में मैं आपकी किताब दूंगा, आप पढ़ सकते बाद में, ये भी भेज दूंगा आपको। तो इनका कहना यही है कि अगर आपका शरीर अल्कलाइन है तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है, और उनके लाखों रिजल्ट्स इन्होंने उसमें शेयर किए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 45 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ठीक है। उसी के अलावा और बहुत से डॉक्टर्स हैं, अगर आप इनकी अगर बात करेंगे, ये जो व्यक्ति है ये डॉक्टर हिरोमिशिनिया है, ये वर्ल्ड के top 10 डॉक्टर्स में इनका नाम आता है, और ये गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी के बहुत बड़े रिसर्चेस इन्होंने किए हुए हैं, ये और ये VVIP के डॉक्टर है, साधारण डॉक्टर नहीं है, VVIP मीन्स प्रिंस क्वींस चार्ल्स किंग्स, उनको ट्रीट करते हैं, 6 महीना अमेरिका 6 महीना जापान का रहते हैं, और इनका 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है केंगन वाटर के साथ में। और ये हर पेशेंट को मतलब डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये सजेस्ट करते हैं, हर किताब के अंदर भी लिखते हैं, इसमें भी लिखा, देखो हाउ ड्रिंकिंग केंगन वाटर सपोर्ट्स योर हेल्थ एंड एनर्जी, और हाउ का जो रिप्लाई है इन्होंने, ये 18 नंबर का जो चैप्टर है, एक पूरा ही चैप्टर दिया है इन्होंने केंगन वाटर के बारे में, ये पूरे चैप्टर दिया है। तो हर किताब
किताब भरपूर लिखते हैं कि डॉक्टर के पास में लोग न जाए, डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन आपने नहीं जाना चाहिए उसके लिए किताब लिखते हैं, और किताब में हर किताब में कैंगन वाटर लिखते ही लिखते हैं। अब ये किताब जो एंजाइम फैक्टर्स करके है, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन क्योर ओबेसिटी, मतलब मोटापा आपका कम होता है, ऐसा उनका कहना है। और एक किताब लिखी उन्होंने द माइक्रो फैक्टर्स करके, द माइक्रो फैक्टर, उसमें भी लिखा है उन्होंने द पावर ऑफ कैंगन वाटर, हर किताब में मेंशन करते हैं। 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कुछ तो डर होगा ना सर पानी में। बुक्स इसी के रॉबर्ट जी राइट की, हां ये सारे बुक्स रॉबर्ट जी राइट की हैं, ये बुक्स जो है रॉबर्ट जी, नहीं पूरे रॉबर्ट जी राइट की नहीं है, रॉबर्ट जी राइट का वो वाला किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, बाकी ये जो किताब डॉक्टर हिरोशिनिया, ये एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जो बहुत बड़े रिसर्चर्स हुए ना, सबसे फास्ट सर्जरी करने वाले ये व्यक्ति वर्ल्ड में वीवीआईपी के डॉक्टर है, इनका कहना है कि कोलोन जो होता है अपना पेट का जो इंटर जो छोटा कोलोन छोटी आंत बड़ी आंत होता है ना, हम लोग ये पानी पीने से कितना भी गंदा आपका कोलोन रहा, सिर्फ एक महीना पहले रिपोर्ट निकालो, एक महीने बाद ये पानी पीने के बाद रिपोर्ट निकालिए, आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। और कोलोन अगर क्लीन हुआ तो पूरा ऑटोमेटिकली डिजीज, बड़ी 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 डिजीज बाहर निकलती है, क्योंकि मेन जड़ वही है कोलोन, है ना। पानी का है। और तीसरा गुंधर्म क्या है, ये माइक्रोक्लस्टर जो हम लोग देखने वाले हैं, बराबर है। तो तीसरा गुंधर्म में क्या देखते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं ये पानी जाड़ है, जाड़ मतलब ये है क्लस्टर्ड, क्लस्टर मतलब एक्चुअली पानी का जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा रहता है वो 15-20 का रहता है, लेकिन जब मशीन के थ्रू जब जाता है 7 प्लेट्स के थ्रू, वो प्रोसेस के थ्रू जब बाहर पानी निकलता है वो रहता है माइक्रोक्लस्टर्ड। माइक्रोक्लस्टर्ड मीन्स सूक्ष्म पानी, क्योंकि पानी का मेजर काम क्या होता है, पानी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, सेल्स तक के न्यूट्रिशन लेके जाना, सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जाना, टॉक्सिन्स को जो है बाहर निकालना, ये काम कौन करता है, पानी करता है। लेकिन अपना पानी काम नहीं कर रहा है क्योंकि अपना पानी जाड़ है, जैसे मैंने बताया है ना, एक छोटा गड्ढा है उसमें फुटबॉल नहीं जाएगा, लेकिन छोटा टेबल टेनिस का बॉल चले जाएगा, तो वैसे सेल्स के साथ हो रहा है। तो अपना पानी जाड़ है, ये पानी के साथ सूक्ष्म है, तो ये सेल्स तक पेनिट्रेट, इट कैन पेनिट्रेट इनटू द सेल्स एंड फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ द सेल्स, इसीलिए तो आप बोल रहे ना मुझे ये हो रहा है, तो टॉक्सिन्स निकालने का काम कर रहा है अभी, किसी को जैसे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, किसी को हेडेक आ रहा है, या किसी को डिसेंट्री लगती है, तो ये कुछ कुछ 10% लोगों में आता है, बाकी लोगों में उतना ज्यादा नहीं आता है, तो ये टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। तो थर्ड डेमो जो हम लोग देखने वाले हैं कि वेदर दिस वॉटर इज क्लस्टर्ड और माइक्रो क्लस्टर्ड, दिखने में तो पानी सर ही कही है ना, ये तीसरा डेमो हम लोग ले रहे हैं, तीसरा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। एक टेस्ट होता है माइक्रो क्लस्टर्ड का, ये ग्रीन टी टेस्ट बोलते हैं, ग्रीन टी पीते आप, ग्रीन टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है, गर्म पानी, हॉट वाटर है ना, जैसे आप मैडम ने कहा हॉट वाटर, सही बात है। सबसे पहले तो ये अपने को टी बैग लगेगी, जैसे लिप्टन की टी बैग है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पानी में डालते हैं, इसी में डालते हैं। ये कौन सा पानी है, ये नल का पानी है, बनेगा क्या सर इसमें पानी, पानी में ग्रीन टी नहीं बनेगा, सही बात है, क्योंकि पानी को जब उबालते हम लोग है ना, गर्म होने के बाद में वो माइक्रो क्लस्टर्ड बनता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पानी पीते हैं इसमें, ये पानी को इसको टी बैग को इसमें डालते हैं, ये पानी में डालते हैं, ये इसमें डालते हैं हम लोग। अब ये पानी कौन सा, कैंगन वाटर जो हमने अभी निकाला, आपने पिया ठंडा है गर्म है, एवरेज है ना, तो अभी हम लोग इसमें डालते हैं इसको, कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें, कलर कुछ चेंज हो गया सर इसमें, हाँ सर, अभी ये 2 मिनट रखोगे तो ग्रीन टी बन जाएगी अपने सादे पानी में। ये तो नॉर्मली क्या होता है, ये पानी और इसमें डिफरेंस देखिए, पानी सेम ही है लेकिन इसने 80% दिख रहा है, तो इसमें आपको 5% दिख रहा होगा, तो वैसा ही क्या हो रहा है, अभी हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशंस ले रहे हैं हम लोग, तो पानी हमने चेंज नहीं किया। और ये इसको एक और स्टेप अगर आप आगे लेके जाते हैं, ये डेमो को मान के चलो, इसमें ये दिखा रहे हैं हम लोग बॉटल का पानी, वो सर बॉटल जो पैकेज वाला है, पैक ड्रिंकिंग वाटर भी वही है जैसा ना, वो भी डाल के दिखा दूंगे, वो भी देख सकते हैं, जैसे इसमें आपका क्या कहना है कि भैया ये बॉटल ये पानी डाल रहे हैं, कुछ आया फर्क, कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये पानी स्टोर्ड है, स्टोर्ड वाटर ऑक्सीडाइज रहता, उसके मॉलिक्यूल का गट्ठा 15-20 का रहता है, तो बहता पानी है ना उसमें ग्रीन टी बन जाएगी,
हिमालय का पानी जा कहीं जा रहा है, तो ये प्रूवन एंड टेस्टेड है। अभी ये एक स्टेप में इसीलिए आगे बोल रहा था आपको कि मान के चलो दोनों ने ग्रीन टी ली, एक स्टेप आगे लेके जाते हैं हम लोग, दोनों ने ग्रीन टी लिए, ये एक मेरा कहने का मतलब यह है कि मान के चलो दोनों ने ग्रीन टी लिया है ना, लेकिन आपने पानी चेंज नहीं किया। ग्रीन टी लिए मतलब काजू खा रहे, बादाम खा रहे, सब न्यूट्रिशंस तो ले रहे हैं हम लोग है ना, लेकिन पानी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आपने ग्रीन टी पी रहे हैं, सभी कुछ अच्छा खा रहे पी रहे और केंगर वाटर भी साथ में ले रहे हैं, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, तो इसने कुछ भी अब्सॉर्ब जो है बोलते हैं उसको समझ के चलिए, और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स बरकरार है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, अल्कलाई तो पानी है ही, और ये सूक्ष्म पानी है, माइक्रोक्रस्टल भी है, माइक्रोक्रस्टल वाटर बोलते हैं इसको, तो ये डिफरेंस है इसका। ये थर्ड डेमो है, और इसको और अगर अच्छे से देखना है तो हल्दी हमारे घर में रहती है ना, हल्दी हल्दी सादे पानी में डाली है और केंगन में डाली है। हल्दी का ओरिजिनल कलर कौन सा होता है? डार्क होता है, एकदम डार्क कलर होता है। तो सादे पानी में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, हल्का लाइट लाइट दिखेगा, लेकिन जैसे इसमें डालोगे तो डार्क दिखेगा। तो वो क्यों है? क्योंकि वो माइक्रो क्लस्टर्ड है, अंदर तक जा पा रहा है, वो उसका माइक्रो क्लस्टर्ड का डेमो होता है। ठीक है सर, समझ में आया आपको? ये तीन गुणधर्म है जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट वाटर बोलते हैं।